आयोग के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर रामशंकर कठेरिया साहब मौजूद है। सर, किस तरह का है पूरा मामला, क्यों एनडीए सांसद सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और पिछले 4 साल से मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी के साथ प्रगति के रास्ते पर है। ये जो बजट सत्र अभी जो कल पूरा हुआ है, इस पूरे बजट सत्र को कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने उसको चलने नहीं दिया, क्योंकि बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है। बहुत सारे इम्पोर्टेंट विधेयक थे जिन विधेयकों को पास होना था, जो जनहित में थे, वो विधेयक भी पास नहीं हो पाए। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से परेशान है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनता में लोकप्रियता हासिल कर रही है, जनता का विश्वास जीत रही है और जनता जिस तरह समर्थन दे रही है, और जिसके कारण पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की निरंतरता में सरकारें बनती जा रही हैं, उससे पूरा कांग्रेस और विपक्ष पूरा घबराया हुआ है। और इसलिए इस पूरे सत्र में जो महत्वपूर्ण बिल पास होने थे, विधेयक आने थे, वो विधेयकों को रोकने की उन्होंने सुनियोजित साजिश रची और सत्र को चलने नहीं दिया। सर, जानना चाहूंगा, कहीं ना कहीं एक आम आदमी को नहीं मालूम होता है ये सारी चीजें, जिस तरीके से कांग्रेस ने सत्र को नहीं चलने दिया, कितना नुकसान, जो जनता की एक गाड़ी कमाई बोली जाती है, वो कितना नुकसान मानते हैं? देखिए, ये ठीक बात है कि उसमें जब लोकसभा का सत्र चलता है तो एक दिन में करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, ये ठीक एक पक्ष है। लेकिन जो लोकसभा में जो महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं, वो विधेयक पास न होना, जो जनता के हित में होते हैं, वो बहुत ही चिंता की बात है। मैं मानता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में पक्ष और विपक्ष होता है, एक दूसरे के विरोधी भी होते हैं, लेकिन जो जनता के काम है, जनता के हित के विधेयक हैं, उनको आम सहमति बनती है और सरकार विपक्ष के सहयोग से उस विधेयक को पास करते हैं। तो 70-72 ऐसे इम्पोर्टेंट विधेयक थे लगभग, जिनको पास होना था, वो कांग्रेस ने नहीं होने दिया और इसलिए कांग्रेस के और कांग्रेस के सहयोगी दलों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल सभी 12 तारीख को अनशन पर बैठेंगे। मैं भी आगरा में स्पीड कलर लैब पर अनशन पर बैठ करके और विरोध प्रकट करेंगे। मानते सर कि एक जो सफलता मिल रही है उससे विपक्ष घबराया हुआ है, नकारात्मक और जो विभाजनकारी जो राजनीति है वो विपक्ष कर रहा है? देखिए, विपक्ष में क्या है कि कोई लीडरशिप नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई कार्यनीति नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई आगे का एजेंडा नहीं है। बस एक एजेंडा है कि मोदी जी की सफलता को गलत ढंग से प्रचारित करना, विरोध करना और किसी तरह मोदी जी को सत्ता से रोकने के लिए कुछ भी करना, जो भी करना नहीं चाहिए उसको भी करना, उन्होंने अपना एक लक्ष्य बनाया है और उसी लक्ष्य के दिशा में वो अपना आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पूरे हिंदुस्तान की जनता आज मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज कांग्रेस मुक्त भारत लगभग बन चुका है, एक आध स्टेट में उनकी सरकार है वो भी जाने वाली है, और भाजपा जहां 20 राज्यों में है और आगे तेजी के साथ बढ़कर के पूरे देश में भाजपा का कमल खिलने वाला है। एक वेतन ना लेने की जो एक पहल सांसदों ने की है, सर किस तरह का मानते हैं, किस तरह का सकारात्मक है? नहीं, बात ठीक है, समय समय पर हम लोग कभी कोई आपात स्थिति में भी राहत कोष में भी अपना वेतन देते हैं
और फिर कभी कभी इस तरह की घटनाएं भी होती हैं तो उसमें भी हम लोग वेतन नहीं लेते हैं। तो पार्टी की तरफ से ये अपील हुई है कि जो सत्र नहीं चला तो हम लोग सभी सांसद वेतन लेने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो इस ढंग से पार्टी का जो निर्देश हुआ है उसका हम सब पालन करेंगे। पीएम मोदी ने भी सर कहीं ना कहीं वेतन जो छोड़ा है, तो क्या कैसा एक मैसेज देने की कोशिश? नहीं, अब मैसेज तो यही है कि जो टाइम हम लोगों ने वहाँ लगाया लेकिन कोई काम नहीं हुआ, तो जब कोई काम नहीं है तो फिर दाम का ही कहें, तो काम नहीं तो दाम नहीं, इस तरह एक सोच के आधार पर इस तरह की पहल हुई है। मैं मानता हूँ अच्छी पहल। शुक्रिया सर, अतनी से। तो आप थे मेरे साथ में ऐसी आयोग के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, आज जिन्होंने कहीं ना कहीं एक 12 अप्रैल को जिस तरीके से एनडीए सड़कों पर होगी, इसमें जानेंगे और लोगों के भी विचार, एक आम जनमानस के भी विचार जानेंगे। जिस तरीके से विपक्ष ने लोकसभा को नहीं चलने दिया, सदन को नहीं चलने दिया, लोगों के विचार भी जानने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा की कार्यवाही में बाधा डालकर विकास का काम रोकने की एक योजना बनाई थी और विकास को बाधित करने का प्रयास किया है। हम सारी जनता कांग्रेस के इस कृत्य की भर्त्सना करते हैं और जोरदारी से निंदा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की इन्हीं नीतियों का खामियाजा हम भुगतते रहे। 70 साल तक कांग्रेस ने क्या दिया हमें? कुछ भी नहीं दिया। आज मोदी जी विकास के रास्ते पर देश को ले जा रहे हैं, तमाम बिल पास हो रहे हैं, अच्छे विकास के लिए तमाम योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसकी कुछ सहयोगी पार्टियां विकास को रोकना चाहती है। आगरा में तमाम विकास की बड़ी योजनाएं मंजूर होने जा रही थी। माननीय सांसद रामशंकर कठेरिया जी लगातार विकास के लिए आगरा में योजनाएं ला रहे हैं और आगरा की जनता उनको बधाई देती है, लेकिन कांग्रेस इसमें रुकावटें ना डाले। निश्चित रूप से लोक प्रत्याशा घबराई हुई है कांग्रेस पार्टी, और उसने देख लिया क्या अंजाम है। आज पूरे आगरा नगर निगम से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार और हम लोग पार्षद हैं आगरा से, सारे विकास के काम गति पकड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या देश से भी कांग्रेस खत्म हो रही है। देश को नुकसान हो रहा है। वो कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो ठीक नहीं थी, जनता ने उनको पूरी तरीके से नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से समर्थन दिया। तो आज भारतीय जनता पार्टी की आगरा में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है और भारत में भी सरकार है। नहीं नहीं, कोई पॉजिटिव पहल नहीं है। तो पूरा पॉजिटिव इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जब काम ही नहीं किया है तो फिर वेतन किस बात का, इसलिए वेतन नहीं ले रहे हैं।